प्यारे विश्वासियों, समस्त बाइबल हमें ईश्वर के दया के बारे में बताती है। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हम ईश्वर की दया के बारे में पढ़ते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 8 में लिखा है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आइए इस वचन में हम विश्वास करें और संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु के चरणों में आए। हम प्रभु के बलिदान को याद करें और अपने एक एक दुख को प्रभु के दुख में समर्पित करें और विश्व भर के दुखियों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हम विश्वास करें कि प्रभु अपने बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार करेगा, हम पर दया करेगा, करुणा दिखाएगा और हमें पापों से क्षमा प्रदान करेगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस समय हम प्रभु के पवित्र चरणों में आएं, प्रभु के बलिदान को याद करें और अपने जीवन को और समस्त संसार को समर्पित करते हुए इस करुणा की विनती माला में भाग लें। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ, आमीन। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व अर्पण करते हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा, हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है,
अमर है, हम पर संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वर अपराध जो रहे हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा, सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी मिशनरियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी मिशनरियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी मिशनरियों पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी मिशनरियों पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वर हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा, विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, विश्व में शांति की स्थापना कीजिए। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वर अपराध रहे हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा, सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं
मृत्यु द्वारा सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, सभी अनाथ बच्चों पर दया कीजिए। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरत्व तुझे चढ़ाते हैं। आपका प्रत्युत्तर होगा, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, आत्मदर्शन के द्वारा वचन का प्रचार प्रसार होने दीजिए। आइए हम सभी संत पापा के सभी उद्देश्यों और विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और इस समय हम उन सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल कर दुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, कन्या तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में थी, अब है और अनंतकाल सदा रहेगी, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।